हेलो दोस्तों, उपस्थित हूँ नई जानकारी के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लेक्सीडॉर्फ सिरप के बारे में। इसके प्राइस की बात करें तो ये 100 ml की आती है 85 रुपये में। तो आइए दोस्तों जानते हैं लेक्सीडॉर्फ सिरप किन किन समस्याओं में काम करती है और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। दोस्तों इसमें मौजूद कंटेंट की बात करें तो इसमें है लिक्विड पैराफिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम पिकोसल्फेट। दोस्तों ये तीनों ही इंग्रेडिएंट कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या में ज़बरदस्त इफेक्टिव है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑस्मोसिस के जरिए पानी को आंत में इकट्ठा करता है, जिससे कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण जो कड़ा मल है वो नरम हो जाता है। लिक्विड पैराफिन लुब्रिकेंट लैक्सेटिव की तरह काम करता है, जो आंतों में चिकनाई को बढ़ाता है। और सोडियम पिकोसल्फेट एक उत्तेजक की तरह काम करता है, जो प्रेशर को बढ़ाता है और आंतों की गतिशीलता को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों ये तीनों ही घटक कब्ज को दूर करने का काम करते हैं। साथ ही ये दवा पेट में एसिड की मात्रा को कम करती है, इसलिए गैस और एसिडिटी जैसी समस्या में भी लाभकारी है। दोस्तों इस दवा को गुदा की दर्दनाक स्थितियां जैसे कि पाइल्स और फीसर की समस्या में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। कब्ज की समस्या दूर होने से पाइल्स में दर्द, खुजली और सूजन से राहत मिलती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस दवा की डोज के बारे में। दोस्तों इस दवा की सामान्य खुराक 15 ml है, जिसे आपको रात को सोते समय लेना चाहिए। और अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि असाध्य कब्ज, पुरानी कब्ज है, तो डॉक्टर इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपको गुर्दे संबंधित कोई समस्या है तो इस दवा को लेने से पहले आप डॉक्टर से बात जरूर करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं लेक्सीडॉर्फ सिरप से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। इस दवा की ओवरडोज से डायरिया की समस्या हो सकती है, इसलिए इसे हमेशा आप डॉक्टर द्वारा तय की गई निर्धारित मात्रा में ही लें। इसके अलावा मतली, भूख में कमी और पेट में सूजन जैसी समस्या हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही कम मामलों में होते हैं। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण नज़र आए तो आप डॉक्टर से बात ज़रूर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।